प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में क्रिस्तीय जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य उसी अनंत जीवन के बारे में हमें बता रहे हैं। इसी अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संदियोगन का सुसमाचार पांचवा अध्याय 24 वाक्य में ईसा से उसी के लिए दो कंडीशंस हमारे सामने रख रहे हैं। पहला है, मेरी शिक्षा सुनना और उस पर जिसने मुझे भेजा उस पर विश्वास करना। हम भाई बहन आज प्रभु के दिव्य सानिध्य में रहते समय हम अपने आप में परख देख ले कि ईसा मसीह को उसी शिक्षा को सुनने के लिए हम अपने आप को कितना उत्साह बरकरार रखते हैं, या मेरे जीवन का दैनिक जीवन में उन्हीं की शिक्षा को सुनना और उसी शिक्षा पर चलने के लिए मैं कितना कोशिश करता हूं। और दूसरा इससे जुड़े हुए बात है, यही बात संत पौलुस रोमियो के नाम लिखे पत्र 10वां अध्याय 17वां वाक्य में कहते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वही है ईश्वरीय वचन। आइए ईश्वरीय वचन को सुनते हुए हमारा विश्वास में उत्तरोत्तर प्रगति प्राप्त करते हुए हमारा क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़े। प्रभु क्रिस्त अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सब यीशु।